बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 का ये पेपर है। पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। 2022 में ये पेपर आया हुआ था। इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए अति लघुतरी प्रश्न, जिसमें 10 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स होते हैं, मतलब टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो आपको 10 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे। सामाजिक संबंध को परिभाषित कीजिए, चिंतन का संप्रदाय, शिक्षण का अर्थ, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, संप्रेषण का अर्थ, वीडियो प्रणाली के प्रकार और शिक्षण सामग्री का अर्थ। फिर है पाठ्य पुस्तक का अर्थ, ई प्रतिगम के माध्यम, और फिर आएगा शिक्षक में मोबाइल स्मार्टफोन का उपयोग। ठीक है ना, ये सेक्शन ए हो गया। टोटल 10 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। फिर सेक्शन बी, सेक्शन बी में आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और एक क्वेश्चंस 8 नंबर का होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ज्ञान और सूचना में कौन कौन से भिन्नताएं हैं, ये सेकंड में से कोई एक दो क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तीसरे में से ये दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है, फिर चौथे में इस तरह से आपको पाँचवें और छठे में इसी तरह से करना है। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से। ए सेक्शन बी का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक क्वेश्चंस के लिए 8 मार्क्स। फिर आती है सेक्शन सी की बारी। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, इसमें दो क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस जो होता है आपको 15 मार्क्स का होता है, तो टोटल 2 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स, 30 मार्क्स से हो गए 7, 8 और 9, 10, 11। ठीक है, ये इस तरह से ये हो गया आपके पेपर सेक्शन सी, ए बी और सी। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए। ए में आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के मैक्सिमम। आप इसको 6 से 7 लाइन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। फिर आएगा सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको कम से कम 2.5 पेज तो, मतलब एक पेज आगे पीछे फिर आधा पेज, कम से कम 2 पेज तो लिखिए ही आप 8 नंबर के लिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, फिर सेक्शन सी, सेक्शन सी में आप करने होते हैं टोटल 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस के लिए 15 मार्क्स, तो कम से कम आप 4 पेज के ऊपर या 4 पेज तक तो लिखिए ही, एक पेज के आगे पीछे। ठीक है ना, इस तरह से एक पेज उसके आगे पीछे, वो 2 हो गया, फिर एक पेज के आगे पीछे 2, 2, 4। ओके, और अपने पेपर को इस तरह से डिवाइड करके लिखना, क्योंकि फिर पता नहीं चलता पेपर में कितना लिखना है, स्पेस में कितना, मतलब कितने लाइन का लिखना है हमें। इसको 500 वर्ड में लिखना है सेक्शन सी को, सेक्शन बी को जो है आपको 200 वर्ड में लिखने हैं, और जो हमारा आ जाता है ये सेक्शन ए वाला क्वेश्चन, उसको 50 शब्दों में लिखना है। ओके ओके, नाउ बाय। और पर्यावरण एजुकेशन जो है आपका, उसका पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 3 पेपर होते हैं। ओके, पहला कंपलसरी सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसके बाद सेकंड वाला पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है, उसमें आपको 3 ऑप्शनल दिए जाएंगे, आपको लेना होगा कोई भी। और चौथा पेपर होता है वो भी ऑप्शनल होता है, फिजिकल, चाहे आप वो हेल्थ एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इस 4 पेपर में से आपको 2 पेपर लेने होंगे। ओके, बाय।